नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजित बैडमिंटन कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही उत्तरी पश्चिमी जिले की डीसीपी उषा रंगनानी, मिशन ओलंपिक की तैयारियों के चलते की गई शुरुआत। जी हां, आपको बता दें, पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शालीमार बाग इलाके के BQ ब्लैक मार्केट कॉम्प्लेक्स में इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ पर ओलंपिक के लिए बच्चों को बैडमिंटन सिखाया जाएगा, जिससे हमारे देश के बच्चे ओलंपिक में भारत का नाम ऊंचा कर सकेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तरी पश्चिमी जिले की DCP उषा रंगनानी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही, जिनका कहना है कि बच्चों का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन करना बेहद जरूरी है, जिससे वो आगे चलकर अपने देश का नाम रोशन कर सके। न्यूज 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2022 का आज इनॉग्रेशन था। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट करा गया और इन बच्चों का मार्गदर्शन और प्रोत्साहन करने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत खुशी है मिशन ओलंपिक्स की, जो पुलिस फैमिली वेलफेयर सोसाइटी तैयारी कर रही है और हमारी मैडम अनु अस्थाना के निर्देशन में ये जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।